राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निजी लॉकर से आज 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। लॉकर धारकों से पैसे का स्रोत पूछा आयकर विभाग ने, तो नकदी के आधिकारिक के बारे में भी लॉकर धारक के पास कोई भी जवाब नहीं मिला। आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद आज कई लॉकर धारक पहुंचे। विभाग जारी कर चुका है 84 संदिग्ध लॉकर धारकों को नोटिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभाग जारी कर चुका है अब तक 84 संदिग्ध लॉकर धारकों को नोटिस और लगातार आज 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। तो आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद आज जो लॉकर धारक हैं वो पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से इस वक्त की। तो विभाग अब तक 84 संदिग्ध लॉकर धारकों को नोटिस दे चुका है और उसके बाद आज कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। राजधानी जयपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर लॉकर धारकों को नोटिस थाम दिए गए और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। और फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ विमल कोठारी। विमल, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर, 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, ये जो गणपति प्लाजा में जो आयकर सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आज 14वें दिन भी जारी है। आज भी आयकर अधिकारियों ने एक संदिग्ध लॉकर को खोला है। इस लॉकर की जांच में इस लॉकर में 60 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बारे में लॉकर धारक है उससे जानकारी जुटाई गई। इस राशि के स्रोत के बारे में पूछा गया लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं था। इसके बाद आयकर अधिकारियों ने इस नकदी को जब्त कर लिया है। आयकर विभाग अब तक गणपति प्लाजा में जो निजी वॉल्ट है वहाँ 5 करोड़ से अधिक राशि को जब्त कर चुका है। इसके अलावा 4 किलो से ज्यादा वजन के ज्वेलरी और गोल्ड को जब्त कर चुका है और इस समय भी आयकर सर्वे की कार्रवाई जारी है, जिसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। क्योंकि ये माना बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन के आसपास संदिग्ध लॉकर हैं जो आयकर अधिकारियों की नजर में हैं, लेकिन जिनको नोटिस जारी किए गए हैं वे अभी तक आयकर विभाग के अधिकारियों के पास ना तो बयान देने के लिए आए ना ही लॉकर को खोलने के लिए आए। ठीक है विमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।